हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं को का एचसीएफ किसी ने का एचसीएफ लॉगरिथम विभाजन प्रमेय का द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ वर्मा पर स्वागत है। तो लिखते हैं एक सौ पैंतीस और 135 और 225 का एचसीएफ लॉगरिथम विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे ये कि उत्तर जो बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या 225 को भाजक मानने पर, ठीक है, हम कहेंगे एलॉगरिथम प्रमेय का द्वारा, ठीक। तो क्या होता है लॉगरिथम प्रमेय का, क्या होती है, a बराबर bq प्लस r। तो इसलिए यहाँ पे हमारा a क्या होगा, जो छोटी संख्या होगी, नहीं जो बड़ी संख्या होगी, a बराबर 225 और b क्या होगा हमारी, जो छोटी संख्या होगी, b क्या है हमारा 135। तो यहाँ लिखेंगे ये कितना है 225, b कितना है 135 और प्लस नहीं q प्लस r, r हमारा क्या होगा, जो शेषफल निकल के आएगा शेषफल। तो अगर हम 225 को, तो अगर हम 225 को 135 से भाग करते हैं, ठीक है, तो भाग कीजिए, तो 135 को 225 भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2 बार, तो हमारा ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम 1 टाइम्स काटेंगे, कितने टाइम, वंस टाइम काटा तो 0 बार 90, कितना बचा 90, जो हमारा शेष फल होगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा ए क्या हो जाएगा, जो ये होगा ये हमारा हट जाएगा यहाँ से खत्म, ये हमारा ए बन जाएगा, तो इसे हम ए लिख देंगे 135 इक्वल्स टू क्यू के साथ क्या होता है बी होता है, तो बी हमारा क्या हो गया 90 हो गया, क्योंकि जो ए था वो खत्म हो गया और बी क्यू के साथ जो था वो हमारा ए बन गया, जो आर होगा शेषफल होगा वो बी बन जाएगा, तो इसे लिख लेंगे बी 90 q + r, ये होता है हमारा, ठीक है। अब इसको हम पुनः 135 को 90 से भाग करेंगे, कितने से 90 से, कीजिए 2 बार ज़्यादा हो रहा है तो 1 टाइम्स काटेंगे 5, ठीक है, कितना बचा 45, तो हमारा आर क्या हो गया, तो हमारा आर क्या हो जाएगा 135 इक्वल्स टू क्या करना है, इधर एच सी एफ ज्ञात करना, एच
सी एफ ज्ञात करना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 90 से भाग किया था मैंने, कितना बचा था 45, ये हमारा शेष फल हो गया, ये हमारा शेष फल हो गया। अब पुनः ये खत्म कर देंगे, हटा देंगे, और क्यू के साथ जो लिखा है उसे ए बना देंगे, जो आ रहे हैं उसे क्या कर देंगे बी कर देंगे। तो लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 क्यू प्लस आर। अब इसको पुनः हम भाग करेंगे, तो 95 को किससे भाग करेंगे, 45, 45 दूना 90, खत्म। सीएस कितना बचा, 2 बचा, क्या बचा, शेष कुछ बचा ही नहीं क्योंकि खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ जीरो, तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हमारा कितना हो जाएगा, जो क्यू के साथ लिखा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ। तो इस प्रकार से दिए गए दो संख्याओं का एच सी एफ विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात करते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।